राजधानी लखनऊ में एमवीएनएल में कार्य बहिष्कार के बाद बिजली कर्मचारी और अधिकारी का वेतन रोका गया। दरअसल बिजली कर्मचारी और अभियंताओं ने एक कार्य बहिष्कार के उत्पन्न स्थितियों को देखकर विद्युत वितरण निगमों ने अब कड़ी कार्रवाई शुरू की है। बता दें, पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के साथ साथ केस्को ने जो है आंदोलन में शामिल कर्मचारी व अभियंताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए निष्कासन के साथ सैकड़ों अभियंताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। काम नहीं तो वेतन नहीं के सिद्धांत पर वेतन रोकने के भी आदेश दिए गए हैं, जिसको लेकर विद्युत विभाग के कर्मचारी और नेताओं से ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने मुलाकात की। साथ ही मुलाकात के बाद उन्होंने अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार को खत्म करते हुए फिर से काम पर वापस लौट जाने की बात कही। हमें बहुत उत्साह दिलाया कर्मचारियों के प्रति के साथ बात करने का, संवाद करने का, उन्होंने भी मन बताया और उसके अनुरूप हमने कई राउंड बातचीत किया। उसका सुखद परिणाम निकला है। हम सभी कर्मचारी संगठनों को, विद्युत कर्मचारी के सभी जो घटक हैं, संगठन संघर्ष समिति के उन सभी नेतागण को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जहाँ तक बिजली कर्मचारियों का प्रश्न है, बिजली कर्मचारी जूनियर इंजीनियर और इंजीनियर, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो लक्ष्य हैं ऊर्जा में सुधार के प्रति, जो उनका रोड मैप है, जो उनका दृष्टिकोण है, हम लोग उस पर अहर्निश कार्य कर रहे हैं और जिस प्रकार का प्रबंधन है उसके कारण स्थिति बनते आ रही है। हम लोगों ने माननीय ऊर्जा मंत्री जी को और माननीय अवनीश कुमार अवस्थी जी को, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य सलाहकार हैं,